हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज फाइनली हम लद्दाख के लिए निकल चुके हैं। अभी रेडी है हमारी बाइक, ये RTR और ये अपनी स्प्लेंडर प्लस। इधर ये हमने बांध दी है पेट्रोल के लिए, कैन दो कैन, एक इधर और एक इधर, और ये हमारा बैग है। बस इसी बैग में हमारा सारा सामान है। एक बैग हो रहा है उसमें लैपटॉप वगैरह है, उसे तो मैं पीछे टांगूंगा। तो ये हिमांशु है, हिमांशु ने भी सेम ही इधर पेट्रोल के लिए और ये बैग। चलते हैं अभी सबका आशीर्वाद लेके और निकलते हैं। चलो चले हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आराम से। चलो बाय बोल लो सब। बाय 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 तो बोल। हैप्पी जर्नी। थैंक यू थैंक यू। तो चलो अभी चलते हैं। सुबह सुबह चलने से पहले बारिश आ गई और मस्त ठंडक हो गई। रोड भी गिल्ला गिल्ला दिख रहा होगा, तो इससे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइडिंग करने में। और अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट ही की है, अभी तो और मज़ा आएगा राइड में। आज कम से कम हमें 400 किलोमीटर बाइक चलानी है। और अभी करनाल से पिक करना है एक बंदे को, करनाल पहुँच जाएंगे हम एक घंटे में। अभी टाइम हो गया था 8 बजने के करीब ही थे, मतलब 8 बजने वाले थे, और अब 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे करनाल। करनाल से पिक करेंगे बंदे को और फिर 3 बंदे जाएंगे उस भाई के पास। है क्लासिक 350 बुलेट, और अपने स्प्लेंडर पे जाएगा और एक RTR। आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में बार बार बताता ही रहता हूँ। तो मौसम भी बढ़िया है, इधर नदी है और ये नदी के किनारे से हाईवे बना हुआ है। नदी क्या, नहर है ये, बड़ी नहर बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये हाईवे बना है, इसके साइड में से इतना गजब का माहौल है ना, देखते ही मज़ा आ जाता है। और बैग में रेनकोट वगैरह लेके आया हूँ, बैग पैक करा है, 2 फ्यूल कैन लेके आया हूँ और रेनकोट ख़रीदा। और देखते हैं अब खर्चा कितना आएगा। मैंने आने से पहले ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बस 2 तो फ्यूल कैन ख़रीदी हैं और वो भी ऐसे रस्सी से बांध ली हैं। कोई ज़्यादा फैंसी तरीके से हम जा नहीं रहे हैं। बैग मेरे पास था वो वाला ट्रैकिंग वाला, वही मैंने बांध लिया है। ओ ब्रेकर, कोई फैंसी वाला ज़्यादा कोई जुगाड़ नहीं है, आराम से सिंपल तरीके से जाएंगे, कम से कम खर्चा करेंगे। और कम से कम खर्चे में ही हम अपनी लद्दाख ट्रिप को पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरी। और देखते हैं वहाँ जाके कितने लगते हैं पैसे। अभी इसका फ्यूल आधी है सुई पर, फुल कराना है, कराएंगे करनाल के आधे में। रिलायंस का है, रिलायंस वाले से कराएंगे, ऐसा सुना है रिलायंस वाले का फ्यूल ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस, जमुना का पुल क्रॉस करने वाले हैं। अभी इधर UP है, अब हरियाणा में घुसने वाले हैं। बस करनाल थोड़ी दूर रह गया, 10-15 मिनट का रास्ता रह गया। ये है पुलिस चौकी, यहाँ पे कोई रोकेगा तो नहीं हरियाणा UP वाले बॉर्डर पे। तो ये जमुना स्टार्ट हो गई, बंदा देख रहा है क्या लगा रखा है हेलमेट पे, क्या जा रहा है, लद्दाख जा रहा है लद्दाख। ये जमुना स्टार्ट हो गई, जय हो जमुना माता की। जमुना मतलब यमुना, जमुना बोलते हैं हम इधर, वैसे यमुना भी, जमुना भी कुछ ही बोल लो। बहुत मस्त व्यू है यमुना का यहाँ से, गजब का। और हिमांशु साथ ही है, बिल्कुल चल रहा है। अभी अब तीसरी बाइक और आ जाएगी और मज़ा आएगा। होनी तो थी 4-5-6-7 बाइक होनी थी, बट बंदों ने एंड टाइम पे मना कर दिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी के पेपर आ गए, किसी को कुछ प्रॉब्लम। और पर हमें जाना ही था, हम अपनी फ्लाइट को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से हमने सोचा चलो हम तीनों ही चलते हैं। करनाल रहेगा इधर से 14 किलोमीटर, 10 मिनट लगेगी बस अगर अच्छा रोड रहा तो। अम्बाला 91, चंडीगढ़ 143। लो भाई हरियाणा में घुस गए अब हम।
हरियाणा में स्वागत है आपका। रिलायंस का पेट्रोल पंप देखना है तो राइड, लॉन्ग राइड पे जाने के बारे में ही सोच के अलग ही फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है, पूरे जोश में हूँ मैं। अभी थोड़ी तबीयत से ख़राब हो रखी थी, एंजाइटी हो रखी थी, बट वो तो मैं भूल गया, याद भी नहीं मेरे, ये मुझे हो भी रखी। एक तो दवाई चल रही है उसकी वजह से भी, एक लद्दाख जाने की इतनी खुशी कि एंजाइटी सब गायब हो चुकी है। तो फाइनली रिलायंस का पेट्रोल पंप आ चुका है, इसका ही वेट कर रहा था मैं तब से। इस पे से करवाएंगे हम टंकी फुल। आज फिर से इसकी टंकी फुल करवानी है मुझे, जब कहीं जाता हूँ तभी फुल करवाता हूँ। वैसे तो बीच में भी करवा लेता हूँ मैं कभी कभी। तो रिलायंस वालों की तो ड्रेस भी अलग ही है, कलर भी सबसे अलग करते हैं। फुल कितने रुपए लीटर है? 8 कितना हो गया? 8,000। 17 किलोमीटर पे फुल है, अब देखते हैं कितने पे जाके कम होएगी। 510 रुपए में फुल हो गई टंकी पूरी। वो तो तेल थोड़ा महंगा हो गया इस वजह से 510 में फुल हुई, नहीं तो 450 में फुल हो जाती है। तो गाइस तो ये अपनी स्प्लेंडर और ये RTR और तीसरी भी आ चुकी है, ये विशाल भाई, इनसे तो आप पहली बार मिलोगे, ये तो जाता ही रहता है मेरे साथ। और ये इनकी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। तो चलते हैं अभी, अभी तो करनाल पहुँचे हम। करनाल में कितना टाइम हो गया हमें? 10 बज गए यहीं पे। चलो चलते हैं, बस फिर लेट नहीं करते हैं। अब देखते हैं, हम बड़ा लेंगे एक ब्रेक, फिर उसके बाद पठानकोट सीधा ही। अब आया है हाईवे, अब गजब रहेगा चलाने में, मस्त भाई आगे चलेंगे क्योंकि वो परफेक्ट ड्राइवर है, हम भी ठीक ठाक से ही हैं बस। तो उन्हें आगे चलने देंगे, फिर मैं फिर हिमांशु, जो मर्जी आगे चलो पर सेफ चलना है, सबसे बड़ी बात है सेफ चलने की, कोई भी आगे चलो। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, शिमला मान लो, दिल्ली शिमला चंडीगढ़ वो वाला हाईवे है, देखना लेडीज को क्या कर लिए। अरे आराम से मोड़ लो, जरूरी थोड़ी भगा के मोड़नी। मैं बार बार धीरे करता हूँ बाइक, फिर मेरे हाथ धीरे धीरे वहीं पे चला जाता है 60-70 की स्पीड पे ही, और वो पता नहीं कहाँ रह गए, दिख भी नहीं रहे हैं कहाँ है। तो इसलिए मुझे अब थोड़ा धीरे चलानी पड़ेगी, जिससे कि वो भी आ जाए, फिर सारे इकट्ठे चले। इतनी स्लो कैसे चल रहे हैं वो दोनों? तगड़ी तगड़ी बाइक ले रहे हैं फिर भी इतनी स्लो। मैं भी ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ, 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 60-70, पर वो फिर भी मुझे दिख नहीं रहे कहीं, इतने पीछे कैसे रह गए। पर जो भी है मज़ा आ रहा है पूरा, अभी हम बाला पहुंच जाएंगे। ओ माय गॉड, सामने क्या जोर का बादल हो रहा है, बिल्कुल काला तूफान आ रहा है शायद। वाओ अमेजिंग, जय हो महेश मती। और अब लग गई है भूख, अम्बाड़ा से भी आगे आ गए हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, कोई ढाबा देख रहे हैं मिल जाए तो, कोई ढाबे पे खाते हैं खाना वाना। ओ तेरी क्या गजब का माहौल बन गया, मौसम बिल्कुल काला काला, बारिश आएगी रास्ते में दिख गया मुझे तो। और कोई ढाबा भी नहीं मिल रहा है कहीं खाना वाना खा लें यार, भूख लग रही है। वैसे तो हम पराठे ले रखे हैं, बट फिर भी कहीं से चाय दही वगैरह मिल जाए तो उसके साथ और मज़ा आ जाएगा। ओ हो, तो फाइनली एक ढाबा तो मिल गया, इधर ही खाएंगे हम कुछ, भूख लग रखी है। ये क्या जुगाड़ है? ओए होए होए क्या तूफान, ये तीनों टन 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 टन, इसका भी मुंह इधर कोई कर जाए। गाइस तो ये ढाबा है,
इधर हम कुछ खाए पिएंगे। ये गाड़ी पुराने मॉडल की और ये वेलकम। तूफान आ गया, हमारे झंडे वंडे तो ठीक है ना। गदर गदर फिल्म, वाओ। तो गाइस, तो अम्बाला से निकलते ही एक ढाबा है यहाँ पर, पता नहीं क्या नाम है। ढाबे का नाम तो हमने देखा नहीं, लेकिन लोकेशन भी अच्छी है। और अभी थोड़ी तूफान भी आ रहा था, इस वजह से हम इधर रुक गए। और कुछ भूख भी लग रही थी, तो खाना खाएंगे। घर से पराठे लेके आए हैं, अभी दही ऑर्डर की भी है और एक भाई के लिए चाय आएगी। तो फिर चाय, पराठे और दही, तीनों चीज़ खाएंगे, भूख लग रही है। फिर चलेंगे यहाँ पठान के, यहाँ से पठानकोट कितनी दूर रह गया होगा, 300 किलोमीटर कम से कम। अभी पठानकोट 300 किलोमीटर और चलानी है, और कम से कम हमने 150 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिए। 150 तो चला लिए हमने कि नहीं, और अभी 300-350 किलोमीटर और चलानी पड़ेगी। गाइस सुबह से 8:30 बजे से चले हुए, 3 बजने वाले हैं, और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके हम चल रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं हम बहुत। 400 किलोमीटर आज चलानी है भाई, पर मस्त मज़ा आ रहा है पूरा। और भाई राइडर बनना है तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। ये हमारी बाइक खड़ी है इधर, अभी हम इन्हें थोड़ा ठंडा कर रहे हैं, गर्म हो रही है। गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पठानकोट, और रूम लिया है ये वाला। इससे पहले हमने ओयो देखा, ओयो में 1200 रुपये का रूम था, लेकिन हमने फिर घूम फिर के ये दूसरा रूम लिया है ढूंढ के, और ये हमें पड़ा है। वैसे तो ये भी 1200 का बोला था, लेकिन फिर लेस करा के 900 रुपये का पड़ा है। 900 रुपये में 3 बंदे, 300-300 रुपये आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, सस्ते में काम चल जाएगा। और ये हमारा सामान सारा फैला पड़ा है, राइडर का सामान ऐसे ही फैला होना चाहिए, तभी जाके लगता है कि अगर सफाई रखनी है तो गर्मी बतेरी हो जाती है। बाहर आओ तो सामान को ऐसे ही बिखराओ। नहाए हैं तो ये टॉवल सुखा रखा है, और ये हेलमेट वगैरह। और ये भाई विशाल, विशाल भाई बात करते हैं, विशाल भाई से कैसा लगा जाके, मज़ा आया है? बहुत बढ़िया, वो अभी तो और कल लगेगा और ज़्यादा बढ़िया। लेकिन इस बंदे की तो हालत खराब हुई है आज, बाइक चला के। नहा के तो मज़ा आया होगा, नहा के मस्त चलो, अभी बाहर चलते हैं।